की मौत का ये पूरा मामला। पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है। शव को हॉस्पिटल से घर लेकर रवाना हुए परिजन। इसके साथ साथ अपने दर्शकों को बता दें कि देवराज की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा और जाहिर तौर पर यह दुखद खबर है। चार दिन लगातार जिंदगी और मौत से जूझता रहा छात्र। तमाम कोशिश की गई कि किस तरह से छात्र को बचाया जाए। खुद सरकार मॉनिटरिंग थी और यहाँ पर मॉनिटरिंग करते हुए बेहतरीन एक एक्सपर्ट की पैनल जो है डॉक्टर्स का, वो SMS अस्पताल से भी भेजा गया था। ट्रीटमेंट हर तरीके का दिया गया, लेकिन आखिरकार छात्र को नहीं बचाया गया। ऐसे में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 10वीं का ये छात्र था। आपको याद होगा कि 16 अगस्त को 10वीं के दो स्टूडेंट्स के बीच चाकूबाजी हो गई थी। एक छात्र ने हमला कर दिया था चाकू से वार कर। ऐसे में लहूलुहान हालत में उसके ही सहपाठियों ने स्कूटी के जरिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। 16 अगस्त के बाद लगातार कोशिश हो रही थी छात्र को बचाने की, लेकिन आखिरकार छात्र नहीं बच पाया। चूंकि ये मामला बेहद संवेदनशील भी है, आक्रोश यहाँ पर उदयपुर के लोगों में और परिजनों में देखने को मिला। कल भी भीड़ इकट्ठा हो गई थी जैसे ही छात्र दम थोड़ा। ऐसे में उदयपुर की जो पुलिस है पूरी तरह सतर्कता बरती हुई है। ड्रोन के जरिए भी आज नजर रखी जा रही है। तो अंतिम यात्रा जो निकाली जा रही है वो भी पूरी सुरक्षा के बीच, विशेष सतर्कता के बीच। आपको बता दें कि अब तक 51 लाख की आर्थिक सहायता भी प्रशासन की तरफ से पूरा आश्वासन दिया गया है परिवार के लिए। एक सदस्य को संविदा पर नौकरी और ST/SC एक्ट मामले में कार्रवाई की मांग यहां पर शामिल है। ये तमाम मांगे भी रखी गई हैं, लेकिन तीन मांगों पर बताया जा रहा है कि सहमति परिजनों के बीच अंतिम संस्कार को लेकर बन गई। तो 51 लाख की आर्थिक सहायता, परिवार को एक सदस्य को संविदा पर नौकरी और SC/ST एक्ट मामले में कार्रवाई की मांग यहाँ पर परिजन कर रहे थे, जिसको लेकर सहमति बनी है। ड्रोन से भी पूरे एरिया को निगरानी में रखा गया है। आपको बता दें कि उदयपुर शहर में नेटबंदी के भी आज के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं। कई दिन हो चुके हैं नेटबंदी, हालांकि कल एक पर्व, महत्वपूर्ण त्यौहार रक्षाबंधन का, और ऐसे में ऐसा लगा था कि अब धीरे धीरे उदयपुर जो है अपनी पटरी पर लौट रहा है, शांति बहाली हो गई है। बाजार खुलने लगे थे, रौनक आने लगी थी, टूरिस्ट आने लगे थे, लेकिन एकाएक जैसे ही खबर आई कि छात्र ने दम तोड़ दिया है, एक बार फिर स्थिति नाजुक बनती हुई नजर आई। और ऐसे में पूरी तरह से सतर्कता बढ़ती हुई पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का और चाक चौबंद कर दिया। करीब 5 बजे MB हॉस्पिटल के बाहर बड़ी संख्या में हथियारबंद जवानों की भी तैनाती कर दी गई। संवाददाता कपिल इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। कपिल, फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पुलिस ने शव सौंप दिया है परिजनों को, अंतिम यात्रा निकाली जा रही है, क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिये बड़ी जानकारी, देवराज की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। उनके वो जो निवास स्थान है देहरादीवाड़ा का, वहां से अंतिम यात्रा रवाना हो चुकी है। मोक्ष में देवराज के पार्थिव शरीर को रखा, बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग शामिल है, बल्कि कई उदयपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। चाहे उदयपुर शहर के विधायक हों, उदयपुर ग्रामीण के विधायक हों, सभी अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। तो वही जो अंतिम यात्रा में जो भीड़ मौजूद है वो जो है वो देवराज अमर रहे के नारे जो है वो लगाते हुए देखी जा रही है। सूरज पोल तक अंतिम यात्रा जो है पहुंचने वाली जी कपिल, अंतिम यात्रा पहुंच रही है और सूरज पोल से बापू बाजार होते हुए ये अंतिम यात्रा अब शास्त्री सर्कल पहुंचेगी और शास्त्री सर्कल से अंतिम यात्रा अशोक नगर मोक्ष धाम जाएगी। इससे पहले शास्त्री सर्कल पर उससे आगे स्थित एक विश्राम घाट पर 2 मिनट विश्राम लिया जाएगा और फिर अंतिम यात्रा जो है वो आगे बढ़ती हुई अशोक नगर मोक्ष धाम पहुंचेगी। पुलिस द्वारा मोक्ष धाम में पूरी तैयारियां की गई है, सारी तैयारियां पहले से कर ली गई है और जो अंतिम यात्रा है उसमें बड़ी तादाद में पुलिस का जाब्ता है वो भी तैनात है पूरी तरह। कपिल हमने देखा था कि सरकार की तरफ से भी खास मॉनिटरिंग की गई थी। तमाम मंत्रियों ने भी अपील की थी कि उदयपुर के लोग शांति बनाए रखें। जिस तरह से सद्भाव की लगातार तस्वीर उदयपुर पेश करता आया है, क्या कोई खास सरकार की तरफ से प्रतिनिधि भी इस अंतिम यात्रा में शामिल है? देखिए, सरकार की ओर से 2 विधायक यात्रा में शामिल है, जो उदयपुर शहर और उदयपुर ग्रामीण के विधायक है वो अंतिम यात्रा में शामिल है। वो भी लगातार ये अपील कर रहे थे कि परिवार को हर संभव जो मदद है वो सरकार के द्वारा की गई है और अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई प्राथमिक तौर पर होनी चाहिए थी वो कार्रवाइयां कर ली गई है। तो जो
पुलिस प्रशासन और सरकार के स्तर पर जो काम प्राथमिक तौर पर होना था वो काम पूरा जो है वो किया जा चुका है। और आप देखिए कि यही वजह रही कि आज उदयपुर में जब अंतिम यात्रा देवराज की निकल रही है तो शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही है, क्योंकि कल उदयपुर रेंज के आईजी ने भी ये स्पष्ट कर दिया था कि परिवार के सदस्यों की सारी मांगों को पूरा कर लिया है। परिवार के जो अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई प्राथमिक कार्रवाई होनी थी वो सख्त से सख्त कार्रवाई कर ली गई है। ऐसे में अब परिवार के जो सदस्य वो पुलिस प्रशासन और सरकार की मदद से जो है सहमत है और अब शांतिप्रिय तरीके से ये आगे की जो अंतिम यात्रा की जो वो होनी चाहिए। और अंतिम यात्रा पूरी होने के अशोकनगर पहुंचेगी, वहां पर देवराज का शव जो है पंचतत्व में विलीन होगा। लेकिन देखिए पुलिस का जो जाप्ता है, भारी पुलिस सुरक्षा के बीच में अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। और ठीक है, नेटबंदी को लेकर भी जानकारी जरा दीजिएगा कि क्या वो चीजों को बहाल किया जाएगा। बाजार जो कई दिनों से बंद नजर आ रही थी, और हालांकि कल तो खोल दिया गया था लेकिन उसके बाद जो बवाल हुआ उसके बाद फिर बंद की थी, आज क्या रहने वाला है? देखिए अभी फिलहाल अधिकांश, क्योंकि अभी तो सुबह का समय है, अधिकांश बाजार ऑलरेडी बंद है। लेकिन कई जो सरकारी निजी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उन्होंने अपने स्कूलों में अवकाश घोषित किया हुआ है। और अब बाजार जो है वो कुछ बाजार स्वैच्छिक बंद जरूर रह सकते हैं, लेकिन किसी तरह के किसी भी संगठन ने, किसी भी पुलिस प्रशासन ने बंद की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि जी कपिल, खबर मिल रही कि संभागीय आयुक्त ने सोमवार शाम को 24 घंटे के लिए नेटबंदी के आदेश दिए थे, तो क्या आज वो कंटिन्यू रहने वाले हैं प्रभावी तौर पर माना जाए? बिल्कुल, सोमवार शाम को रात को 10 बजे ये आदेश लागू हुआ था, जो कि आज रात 10 बजे तक ये नेटबंदी का जो आदेश है वो चलेगा। और आज रात 10 बजे तक नेटबंदी जो है वो चलेगी, और उसके बाद में ये रिव्यू किया जाएगा कि क्या इस नेटबंदी को फिर से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 16 अगस्त से लगातार नेटबंदी उदयपुर में चल रही है। और जो नेटबंदी के जो आदेश हैं वो आगे बढ़ने चाहिए या नहीं, ये आज की स्थिति देखने के बाद में पता चलेगा। कपिल, क्या पूरी तरह से नेटबंदी है या जो ऑफिसेज हैं, जो कि बैंक का काम भी जाहिर तौर पर प्रभावित होता है, वहां के लिए छूट मानी जाए? फिर से दोहराएंगे अपना सवाल। कपिल, सवाल मेरा है, चूंकि नेटबंदी क्या पूरे उदयपुर में लागू है या जो ऑफिसेज है, मेन सरकारी कार्यालय हुए या बैंक हुए, जहां पर काफी हद तक काम जो है नेटबंदी की वजह से प्रभावित भी हो सकता है, या वहां पर छूट मानी जाए? देखिए, फाइबर लाइन हो गई, लीज लाइन हो गई, इन जगहों पर नेटबंदी की छूट है। अन्यथा जो मोबाइल टावर से जहां नेटवर्क मिल रहे हैं, जो मोबाइल सिम में नेटवर्क, जो इंटरनेट चल रहा है, वो सारा बंद है। जो चुनिंदा इलाके हैं जिसमें उदयपुर शहर का इलाका और बुआणा का इलाका, बेदला, बड़गांव का इलाका, ऐसे आसपास के जो चुनिंदा इलाके हैं वहां पर नेटबंदी चल रही है, क्योंकि ये वही इलाके थे जहां पर जो स्थितियां थी वो काफी बिगड़ती हुई नजर आई थी, तो उन इलाकों में नेटबंदी जो है वो। और बाजार को लेकर क्या फैसला कपिल लिया गया है, चूंकि कल 6 से ज्यादा बाजार अचानक शाम को बंद होने लगे थे जब बवाल बढ़ रहा था, तो अभी क्या स्थिति है? कल शाम को अचानक जब देवराज के निधन की सूचना आई, तब अचानक से जो माहौल है वो बिगड़ने लगा था। लोगों में एक भय था कि शायद उदयपुर फिर से अशांति की राह पर चलेगा, लेकिन जी कपिल, तो इस वक्त अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता लगातार अपडेट दे रहे हैं, और अशोक मोक्ष धाम में कुछ ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरी सुरक्षा के बीच अंतिम यात्रा को निकाला जा रहा है। कई मांगे थी जिसमें 3 मांगों पर सहमति बनी है। खास मांग थी 51 लाख की आर्थिक सहायता और 1 सदस्य को परिवार के संविदा पर नौकरी के साथ ST/SC एक्ट मामले में कार्रवाई। हालांकि अगर आरोपी परिवार की बात करते हैं, आरोपी छात्र की बात करते हैं, तो पहले ही इस पर कार्रवाई हो चुकी है। आरोपी छात्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ मांग यहां पर लोगों की ये भी उठी थी कि आरोपी छात्र का जो घर है वो अवैध तरीके से बनाया गया है, लिहाजा उस पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। वो तस्वीरें भी सामने आई जब पूरी तरह से एक मंजिला घर को जमींदोज कर दिया गया था। इन सबके बीच में कल चूंकि माना जा रहा था कि सब कुछ अब उदयपुर में एक तरफ रौनक लौट रही है, शांति की तरफ उदयपुर
बढ़ रहा है। ये तस्वीर आपको हम ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। उदयपुर में देखिए घर से बाहर किस तरीके से अंतिम यात्रा को जब निकाला गया तो हर कोई गमगीन, हर किसी की आंखें नम। देवराज अमर रहे के नारे लगाते हुए तमाम परिजन, तमाम आसपास के लोग और परिवार पर मानिए कहा टूट गया है, क्योंकि जाहिर तौर पर दसवीं के छात्र जो होते हैं उनकी उम्र 16 से 17 साल की होती है और एक छोटी सी बात में, मामूली सी बात में इतना बड़े झगड़े रूप ले लिया, पूरा हिंसा फैल गई और कोशिश थी कि किस तरीके से छात्र को बताया जाए। सोचिए दोपहर 2:15 के आसपास यहाँ पर बहनों ने राखी तक भाई के लिए बांधी थी और लंबी उम्र की कामना की थी, लेकिन 3 बजे के बाद अचानक तबियत भी। देवराज की अंतिम यात्रा जो है वो निकल रही है, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए कि देवराज की अंतिम यात्रा खेरादीवाड़ा स्थित उनके निवास स्थान से मोक्ष रथ के मार्फत रवाना हुई है और ये अंतिम यात्रा जो है वो खेरादीवाड़ा से सूरजपोल होते हुए अंतिम यात्रा सूरजपोल से बापू बाजार, बापू बाजार से शास्त्री सर्कल होते हुए अंतिम यात्रा अशोक नगर मोक्षधाम पहुंचेगी और अशोक नगर मोक्षधाम में देवराज के का अंतिम संस्कार किया जाएगा। 4 बजे, ठीक 4 बजे आज सुबह देवराज के पार्थिव शरीर को लेने के लिए परिवार के लोग मोर्चरी पहुंच गए थे। उसके बाद में जो परिवार के जो लोग हैं उन्हें 4:57 पर पुलिस द्वारा डेड बॉडी दी गई। डेड बॉडी लेकर परिवार के जो सदस्य हैं वो उनके खेरादीवाड़ा स्थित निवास स्थान पर पहुंचे और वहां पर खेरादीवाड़ा स्थित निवास स्थान पर जो अंतिम संस्कार से पहले की जो क्रियाएं वो पूरी की गई परिवार के सदस्यों द्वारा और फिर अंतिम यात्रा रवाना हुई। आप देखिए कि जनप्रतिनिधि उदयपुर के सभी इस अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंचे, चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, उदयपुर शहर के और ग्रामीण के विधायक, शहर के विधायक ताराचंद जैन और उदयपुर ग्रामीण के विधायक फूल सिंह मीणा भी अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो वही कांग्रेस के भी कई नेता हैं और आप देखिए काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन पुलिस का पूरा जाप्ता जो है वो इस यात्रा में मौजूद है। और देवराज अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, देवराज तेरा नाम रहेगा जैसे जो जयघोष है वो यहाँ पर नारे जो है वो सुनने में आ रहे हैं। ये देवराज की अंतिम यात्रा है जो कि मोक्षरथ के मार्फत घर से निकली है और फिलहाल सूरजपोल की ओर आगे बढ़ती हुई देखी जा रही है। आप पुलिस का जाप्ता देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पुलिस की जो टीम है वो इस अंतिम यात्रा में मौजूद है ताकि किसी भी तरह से शांति व्यवस्थाएं ना बिगड़े। फिलहाल पूरे पुलिस सुरक्षा के बीच में देवराज के अंतिम संस्कार की तैयारियां की गई है। जाहिर तौर पर कपिल हमारे संवाददाता मौजूद हैं और अंतिम यात्रा की लाइव तस्वीरें वो दिखा रहे हैं। ये पूरे बाजार से होते हुए अशोक मोक्ष धाम पहुंचेगी, परिवार के लोगों का बुरा हाल है। कपिल हमारे संवाददाता जुड़े हुए जो बता रहे हैं कि तमाम उदयपुर ग्रामीण और उदयपुर शहर के विधायक के साथ साथ कांग्रेस के भी नेता फूल चंद मीणा भी वहां पर मौजूद हैं। या कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग कपिल दिख रहे हैं और एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन है जहाँ पर इस वक्त अंतिम यात्रा है निकल रही है? बापू बाजार पहुंच चुकी है अंतिम यात्रा और सूरज पुकुन के निवास स्थान खेरादीवाड़ा से निकलकर लगभग बापू बाजार का जो आधा रास्ता है वो अंतिम यात्रा ने पार कर लिया है। हालांकि बहुत ज्यादा अच्छी तादाद में भीड़ नहीं है, लेकिन काफी लोग जो है वो पहुंचे हैं और जो अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। मुख्य रूप से जनप्रतिनिधि काफी शामिल हो रहे हैं, जो बीजेपी कांग्रेस के नेता हैं वो इस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं, तो ये परिवार और समाज के लोग मौजूद हैं। सूरजपोल से आगे बढ़ते हुए बापू बाजार में लगभग आधा बापू बाजार पार कर लिया है और अब बताया संभावना है कि कुछ ही समय में अशोक नगर मोक्षधाम पहुंच जाएंगे। यहाँ से दिल्ली गेट शास्त्री सर्कल होते हुए सीधा अशोक नगर मोक्षधाम अंतिम यात्रा पहुंचेगी, जहां पर पूरी जो तैयारियां अंतिम संस्कार की है वो पहले से की जा चुकी है और पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। ना सिर्फ अंतिम यात्रा के साथ में पुलिस का बड़ा जाप्ता चल रहा है, बल्कि जिस रूट से अंतिम यात्रा चल रही है उन सभी जगहों पर जो अंतिम यात्रा के जो लोग हैं वो जो पुलिस है उन सभी जिस रूट से अंतिम यात्रा निकलेगी उन सभी रूट पर पुलिस के अधिकारियों की तैनातगी है, पुलिस के जवानों की तैनातगी है, ताकि किसी तरह की अशांति फैलाने वाली भीड़ जमा ना हो। जो लोग अंतिम यात्रा में शामिल होना चाहते हैं उन सभी को ये स्पष्ट कहा गया है कि वे अंतिम यात्रा में शामिल हो सकते हैं,
किसी भी तरह से अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए कोई रोक टोक नहीं रखी गई है। अंतिम यात्रा में सभी लोग शामिल हो, लेकिन शांति बरतते हुए, शांति प्रिय तरीके से जो है वो अंतिम यात्रा में शामिल हो, और शांति किस तरह से शहर में ना हो और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की कोई सिचुएशन ना हो, ये ध्यान अंतिम यात्रा में शामिल हो। बिल्कुल लोग, कपिल देखिए, मोक्ष धाम की तरफ अंतिम यात्रा पर दसवीं क्लास का स्टूडेंट देवराज, जो कि चार दिन से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, अपनी अंतिम यात्रा वो पूरी कर रहा है मोक्ष रथ पर सवार होकर। उदयपुर ग्रामीण के भी विधायक, बीजेपी के नेता फूलचंद मीणा भी यहाँ पर मौजूद हैं। कितनी बड़ी इन तमाम विधायकों की भी भूमिका रही शांति बहाली को लेकर और जो परिजनों की मांग थी उनको पूरा करने में। कपिल, जनप्रतिनिधियों का बहुत अच्छा योगदान रहा, पुलिस का अच्छा प्रयास रहा है, पुलिस ने पूरे मामले में अपनी बेहतरीन रणनीति के साथ में काम किया जिससे शहर में जल्दी शांति बहाली हो सकी। और आप देखिए कि जो डिमांड समाज के लोगों द्वारा रखी जा रही थी वो सारी डिमांड सरकार द्वारा बिना किसी आर्ग्यूमेंट के तुरंत मान ली गई। जो अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी, उन्हें डिटेन करने की कार्रवाई तुरंत पूरी कर ली गई थी घटना होने के कुछ ही घंटों में। इसके बाद जो प्रदर्शनकारी परिवार के जो सदस्य हैं, जो आरोपी हैं, वो जिस घर में रह रहा है वो घर जो है वो अवैध रूप से बना हुआ है, इस बात को भी ध्यान में रखा गया और तुरंत स्थानीय निकाय द्वारा दस्तावेजों की जांच की गई। दस्तावेज जांचने के बाद में ये जब पाया गया कि जो मकान का निर्माण किया गया है वो अवैध है, उस पर बिना स्वीकृति के निर्माण है, तो उसे तोड़ने में तनिक भी देरी नहीं की गई और तुरंत मकान को जो है वो तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई और पूरा मकान जमींदोज करते हुए राजस्थान सरकार ने पहली बार उदयपुर में एक बड़ा एक्शन अपराधियों के खिलाफ दिखाया और एक संदेश देने की भी कोशिश की। ठीक है कपिल, परिवार वालों से आपने बातचीत की होगी, उनका क्या कहना है? देखिए, परिवार के जो लोग हैं मुख्य रूप से जो मृतक देवराज है उनकी माँ है, वो क्योंकि उनके लिए बेहद मुश्किल वाला समय है, उनका यही कहना था कि उन्हें किसी तरह के कोई मुआवजे की कोई अन्य किसी सहायता की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके बेटे जो इस दुनिया से चला गया है उसकी भरपाई कैसे होगी ये स्थानीय प्रशासन बताया। हालांकि बाद में उन्हें समझाया गया कि जो जरूरी मदद जो है, चाहे वो अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की हो या फिर आर्थिक मदद जो है परिवार के सदस्यों को करने की, वो उसके लिए सरकार पूरी तरह से सहमत हो गई और सरकार ने उस पर जो है अपना कदम भी बढ़ा दिया है। मुख्य रूप से 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता परिवार के सदस्यों को करने की घोषणा की है सरकार द्वारा। तो वहीं समाज के अन्य समाजों के लोग भी मिलकर एक निश्चित राशि इकट्ठा करेंगे, वो भी परिवार के सदस्यों को सपोर्ट की जाएगी। बिल्कुल कपिल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि 3 दिन से वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा गया? क्या जो उनका उसका बीपी लगातार कम हो रहा था वो कारण बनी है मौत की, या ब्लड लॉस हो गया था, क्या कहना था डॉक्टर्स का इस पर? मतलब कभी कॉम्प्लिकेशंस क्या रहे, क्योंकि 2:15 बजे हमने देखा कि बहनें जाती हैं अस्पताल, अपने भाई की राखी तक बांधती है जो कि इतना प्यारा कल पर्व भी था, लंबी उम्र की कामना जाहिर तौर पर उनके मन में भी रही होगी। बिल्कुल, देखिए जो 4 दिन का देवराज का जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष रहा वो बेहद मुश्किल भरा रहा था। और आप देखिए कि जब 16 अगस्त को देवराज के चाकू मारकर उसे घायल किया गया, जब उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, तब बॉडी में से लगभग पूरा का पूरा ब्लड जो है वो निकल चुका था। लेकिन आप देखिए, एक बड़ी जानकारी इसमें ये भी रही कि जब देवराज को हॉस्पिटल लेकर पहुंचा गया उस समय देवराज की धड़कन नहीं चल रही थी, लेकिन चिकित्सकों की टीम ने CPR देकर के प्रयास किया और फिर देवराज की सांसें लौटी। उससे हर जो चिकित्सक थे, मेडिकल टीम थी, उनमें उम्मीद जगी थी कि शायद ये बच्चा जो है फिर से सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन अत्यधिक रक्त बहने के कारण स्थितियां बिगड़ती गई और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की स्थिति आई। हालांकि 3 दिन तक 4 दिन तक जो बच्चे की स्थिति वो स्टेबल बनी रही और राखी का दिन था जब उसकी बहनों ने, सगी बहन और कुछ चचेरी बहनों ने ICU में जाकर, कलेक्टर की परमिशन से ICU में जाकर राखी जो है वो देवराज को बांधी और उसके जल्द स्वस्थ होने की, दीर्घायु की
कामना की, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद में देवराज का जो ब्लड प्रेशर है वो अचानक से लो होता गया और ब्लड प्रेशर जो है वो 20 की काउंटिंग तक पहुंच गया था, जो एक बड़ी चिंता की बात सभी के सामने थी। और देखते ही देखते देवराज जो है इस दुनिया से चला गया। तो जो परेशानियां थी वो अत्यधिक रक्तस्राव की तो थी, ब्लड ज्यादा बहने की तो रही, लेकिन उसे उसकी भरपाई के भी प्रयास किए गए, लेकिन शरीर से खून ज्यादा बहने के चलते उसके अधिकांश जो ऑर्गन थे वो फेल हो गए थे और यही वजह रही कि वो रिकवर नहीं कर पाया। जी, जाहिर तौर पर हिम्मत ही बचा था, 4 दिन तक पूरी तरह से कोशिश की उसने, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है कपिल। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, ड्रोन की भी नजर लिए जा रही है, लेकिन इन सबके बीच में इस घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए अंतिम यात्रा में प्रशासनिक और पुलिस के कौन कौन से अधिकारी इस वक्त मौजूद है वहां पर? देखिए, खुद उदयपुर रेंज के IG इस अंतिम यात्रा में आगे पूरी स्थिति को संभालते हुए चल रहे हैं। उदयपुर के SP मौके पर जो है वो आगे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वहीं शव यात्रा के साथ में कई RPS अधिकारी जो है वो मौजूद हैं, कई DSP मौजूद हैं, अधिकांश CI इस अंतिम यात्रा में मौजूद हैं। और उसके अलावा आप देखिए कि पुलिस का बड़ा जाप्ता है और उदयपुर वासियों की काफी संख्या है जो कि इस अंतिम यात्रा में शामिल हो रही है। फिलहाल पुलिस के जाप्ते की मैं बात करूं तो पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराते हुए जो अंतिम यात्रा है वो निकल रही है। भारी पुलिस का जाप्ता जो है वो इस अंतिम यात्रा में शामिल है और पुलिस सुरक्षा के बीच में ही देवराज का जो अंतिम संस्कार है वो कराया जाएगा। इस समय दहली गेट से आगे देवराज की अंतिम यात्रा निकल चुकी है, दहली गेट से आगे। यानी कपिल, कितने किलोमीटर की शेष रहेगी ये यात्रा? भी महज 1 किलोमीटर दूर अब अशोकनगर मोक्ष धाम है, यहाँ से दहली गेट से सीधा शास्त्री सर्कल और विश्राम घाट होते हुए अशोकनगर मोक्ष धाम जो है वो अंतिम यात्रा पहुंचेगी। तो महज 1 किलोमीटर के आसपास का रास्ता और बचा है जब ये अंतिम यात्रा अशोकनगर मोक्ष धाम पहुंच जाएगी और देवराज का जो अंतिम संस्कार की जो क्रिया है वो अशोकनगर मोक्ष धाम में पूरी की जाएगी। कपिल, चूंकि उदयपुर के लोग सीधे अपने इस बच्चे से कनेक्ट कर रहे थे, जाहिर तौर पर बहुत छोटा मासूम बच्चा था और हर किसी को ये बात हजम नहीं हो रही है कि एक 10th की स्टूडेंट्स आपस में ऐसे कैसे झगड़ सकते हैं और एक दूसरा छात्र कितना वॉलेंट हो सकता है कि वहां पर चाकू से गोद कर उसकी हत्या पर आमादा हो जाए। लेकिन इन सबके बीच में बड़ी संख्या में महिलाएं भी देख रहे हैं, जाहिर तौर पर ये महिलाएं जानती नहीं होंगी देवराज को, लेकिन अपना दुख समझ कर खुद सड़कों पर उसे श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद दिख रही हैं। कपिल, बिल्कुल, देखिए जो वो परिवार की जो महिलाएं हैं, जो देवराज के परिवार के जो सदस्य, समाज की जो महिलाएं हैं, वो लगातार हॉस्पिटल में भी डटी हुई थी। जो देवराज की माँ, जो कि जिनका काफी बुरा हाल हो रखा था कि तबीयत जब बिगड़ने लगी और उसके बाद जब निधन की जानकारी आई तो देवराज की माँ की स्थिति बहुत जो बिगड़ने की तरह हो गई थी और उसी उनकी माँ को संबल देने के लिए समाज की और परिवार की कई सारी महिलाएं उनके साथ मौजूद रही। आज भी जब अंतिम यात्रा घर से रवाना हो रही थी तो घर पर बड़ी तादाद में जो महिलाएं हैं उनकी मौजूदगी रही और उन्होंने देवराज के जो पार्थिव शरीर है उसे घर से अंतिम विदाई दी। उसके बाद में जो अंतिम यात्रा शुरू हुई थी फिलहाल दहली गेट से आगे निकल चुकी है। तो कपिल, जाहिर तौर पर बहुत बड़ी खबर है, दुखद खबर है, हर एक अपडेट आप